तो जब भी आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको ये टूल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये टूल के बारे में पता नहीं है तो फिर आप फोटोशॉप में अच्छे से फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में इन सभी ये जो आप टूल्स देख रहे हैं, इतने सारे यहाँ पे टूल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इन पूरे टूल्स के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में इन टूल्स के बारे में बात की थी, आज इस टूल के बारे में हम बात करने वाले। ये जो 8 टूल है और ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाले और ये इम्पोर्टेंट टूल है जिनके बिहाफ पे आप बहुत सारे, जो कि मान लेते कोई ऐसा कागज है जिसमें बहुत सारी चीज लिखा हुआ है बट आप उसमें कुछ चीजों को मिटाना चाहते हैं तो वो मिटा सकते हैं। आप चाहे तो अगर कोई काला आदमी है तो उसे गोरा कर सकते हैं, किसी का बाल काला कर सकते हैं, मतलब और भी चीजें इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमने इस टूल के बारे में बात किए थे, आज हम इस टूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ये टूल है वो हैलिंग ब्रश टूल। अब ये हैलिंग ब्रश टूल का क्या यूज होता है तो देखिए, बेसिकली हैलिंग ब्रश टूल का क्या काम होता है कि कोई भी चीज को, जैसे मान लेते हैं इसको हम सिलेक्ट किए हैं और अगर यहाँ पे कोई डिम्पल होता या कोई ऐसे जो आइकन होता है जिनको हमें यहाँ से हटाना होता, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हैलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ पे कोई डिम्पल नहीं है तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक कोई सा एक पॉइंट डाल देते हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि हम इसको प्लस करके बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक पॉइंट बना हुआ जो कि रेड कलर का है। तो बट हम ये चाहते हैं कि पॉइंट ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे वैसा ही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, हैलिंग ब्रश टूल लेंगे और ये भी नॉर्मल है तो नॉर्मल रहने देंगे और यहाँ पे हम जैसा हमें चाहिए हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, राइट। एंड अब देखिए अब ये ऐसे काम नहीं करेगा, हमें अल्ट के साथ इसको यूज करना पड़ेगा। तो अल्ट दबा के हम इस बगल वाले को ही इसके जैसा लाना है, तो अल्ट को दबा दिए तो ये देखिए चिन्ह बदल गया। तो हम बगल वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके इसको दबाएंगे, इस तरीके से देख सकते हैं एकदम बिल्कुल राइट तरीके से हट गया और हमें पता ही नहीं चला था वहां पे कोई भी रेड कलर का आइकन था या कोई पिंपल होता। मतलब बहुत सारे इसे देखेंगे जिसमें फोटो में बहुत सारे पिंपल होते हैं तो उसे हटाना होता है, तो वहां पे हम हैलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये आंख है, अब इसी आंख को हम यहाँ पे लाना चाहते हो तो इसके क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आएंगे, ये देखिए ये यहाँ से सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए ये आंख आ चुका है, तो ये चीजें हम यहाँ पे ला सकते हैं। अगर हमें ये मान लेते हैं कि यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे तो वैसे कोई चीज है नहीं, तो अगर कोई चीज लाना होगा तो हम हैलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा हैलिंग ब्रश टूल। उसके बाद हमें पाथ टूल मिलता है। पाथ टूल का क्या इस्तेमाल है, मतलब ये भी सेम हैलिंग ब्रश के इस्तेमाल करता है बट इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हम पाथ टूल का इस्तेमाल किया और हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से हम यहाँ पे गोल घेरा लगाए और इसको हम उठा के यहाँ पे लाए, मतलब जो भी चीज हमें लेना है, जैसे हमें ये आंख लेना है तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आंख आ गया। अगर मान लेते हम यहाँ पे ऐसे आए और इस तरीके से आए, इसको ले लिया, अब ये आईब्रो हम चाहते कि ये आईब्रो जो कटा हुआ आईब्रो यहाँ पे आ जाए, देखिए ये आईब्रो आ गया। तो जो भी चीज जैसे मान लेते हमें ये मूछे हैं, इस तरीके से हम इसको उठाए, इस तरीके से यहाँ से आएंगे और इस तरीके से यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम इसके ऊपर में देते, देखिए सेम एज इट इज जैसे बन गया, दिखने में एकदम पूरा बिल्कुल लग रहा है बकवास। तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल जेड करके हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पाथ टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई भी आइकन को अगर कहीं से सेलेक्ट करना है तो हम पाथ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए हम लोग पाथ टूल और हैलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों का। तो आई थिंक कि ये चीज समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे ब्रश। अब ब्रश का क्या यूज होता है, देखिए यहाँ से हम ब्रश कर सकते हैं कोई भी चीज को। अभी ये बहुत बड़ा है तो हम राइट क्लिक करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ये ब्रश करने का काम आता है। और ये सिर्फ ब्रश करने का काम ही नहीं होता है, अगर हम किसी का जैसे मानते हैं यहाँ पे हमें इस जो लिप्स को यहाँ से रेड करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिप्स को रेड भी कर सकते हैं, इस तरीके से ये देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें लिप को ज्यादा रेड करना है इस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ये पूरा लिप रेड हो चुका है। एंड अगर कहीं और भी यूज करना है तो हम इसको ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पेंसिल है, पेंसिल का सेम इस्तेमाल है, मान लेते इसको यहाँ से हम इस तरीके से पेंसिल कर सकते हैं, जितना ज्यादा करना है कोई भी चीज मिटाने के लिए हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो ये हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल है। हिस्ट्री ब्रश टूल का क्या काम होता है कि जैसे मान लेते इसके अंदर हमने बहुत सारे वर्क कर दिए हैं बट ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसके अंदर जो भी हम किए हैं वो सभी के सभी हम हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे, राइट क्लिक करके हिस्ट्री ब्रश टूल लेंगे और यहाँ से ये देख सकते हैं
जो हमने पहले इसके अंदर में वर्क किए थे ये सभी को यहाँ पे रिमूव कर दिया, और जो हमारा फाइनल जो हमारा ओल्ड पिक्चर था सेम वही लाके हमें दे दिया। तो ये यहाँ पे ये इस तरीके से आर्ट। उसके बाद अगर राइट क्लिक करते हैं तो आर्ट हिस्ट्री टूल है, यहाँ से हिस्ट्री टूल के जैसा काम करते हैं, ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखते हैं चेहरे पे क्या हो रहा है, मतलब ये चेहरे को ब्लैक कर रहा है या ओवरले कर रहा है इस पर, ये देख सकते हैं। तो इसका ये इस्तेमाल है, इसे हम यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल से इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमें मिलता है क्लोन स्टाम्प टूल। अब ये क्या काम करता है, ये भी सेम हिस्ट्री ब्रश, ये सॉरी हेलिंग ब्रश टूल के जैसा काम करता है। मतलब अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को हटाना है, या मान लेते हैं हम यहाँ पे आए राइट क्लिक किए और क्लोन ब्रश टूल ले लिया, अब मान लेते हैं यहाँ पे हमें कोई भी चीज को मिटाना है, जैसे हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से इस आंख को मिटाने के लिए, या नहीं तो मान लेते हैं यहाँ पे हम आते हैं क्या करें, इसमें कुछ है नहीं, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट को दबाएंगे, ये वाला एरिया लेंगे क्योंकि इसी के जैसा करना है, तो यहाँ पे आए इसको हम एक दो बार प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए देख रहे हैं ना, ये क्योंकि बड़ा है तो इसको और हम छोटा कर लेते हैं, इस तरीके से आए ये देख सकते हैं, ये कुछ ज्यादा होने लगा तो हमें अपने हिसाब से इसको यूज करना पड़ेगा। ये 100% इसीलिए ये हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से फ्लो कम कर देते हैं, ओपेसिटी भी कम कर देते हैं ताकि सेम एज इट इज ऐसे लगे दिखने में, ये देख सकते हैं ये इस तरीके से मिटा रहा है, देख सकते हैं इस तरीके से मिटा रहा है। या फिर हमें अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है राइट, इस यहाँ पे जो ये केस को जो बाल को काटना है इसको, ये देख सकते हैं ये बाल को काट देगा, ये एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने बाल को काटे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्लॉन टूल मिलता है, क्लॉन स्टाम्प टूल, सेम उनका ये एज इट इज ये यूज होता है कि जो हमने यहाँ पे हेरिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसी के जैसा उसको बनाना है, या फिर हमें वहां से ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लॉन टूल या हेरिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे पेटर्न स्टाम्प टूल मिलता है, ये भी वही काम करता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पेटर्न आ गया, यहाँ पे हम कोई सा पेटर्न यूज करेंगे, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पेटर्न के जैसा वर्क कर रहा है, ये देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पे पेटर्न का यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे दूसरा पेटर्न लेना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ये आ जाएंगे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये पेटर्न का जैसा यूज होता है। बहुत सारे और भी चीजें हैं यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पैटर्न का यूज कर सकते हैं, और इन सभी को हटाने के लिए हम लोग हिस्ट्री ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे इरेजर टूल है, इरेजर टूल का काम क्या होता है, इरेज करने के लिए, यहाँ पे ये जो है इसको इरेज कर सकते हैं, इस तरीके से इरेज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ये देख सकते हैं ये एकदम पूरा इरेज कर देगा। उसके बाद यहाँ पे सेम वही है बैकग्राउंड इरेजर टूल, ये भी बैकग्राउंड को इरेज करता है। एंड ये जो मैजिक टूल है ये क्या काम करता है कि ये देखिए यहाँ पे इसे एक कलर है और एक कलर को मैं एक बार में रिमूव कर रहा था, ये देख सकते हैं एक बार में इसको रिमूव कर दिया, तो मैजिक टूल जो होता है ना इसी का यूज होता है। इस तरीके से हम एक कलर को एक बार में यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये काम होता है। तो चलिए हम राइट क्लिक करके फिर इसको हम यहाँ से ला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेडिएंट टूल है, ग्रेडिएंट टूल का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कंट्रोल एन करके एक बैकग्राउंड ले लेते हैं राइट, यहाँ से आए हम एक बैकग्राउंड ले लिए। अब देखिए यहाँ पे हमें डबल कलर मिलता है, एक रेड एक ब्लू, अब ये क्या कि ग्रेडिएंट है, मतलब इसमें दो कलर यूज होगा, देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज करके रखे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे कलर मिलते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी कलर को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके बहुत सारे कलर का इस्तेमाल करेंगे और ओके करेंगे, यहाँ पे जैसे देंगे तो ये ग्रेडिएंट कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और भी कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आएंगे, जैसे हमें ये लेना है तो इसको हम इसके ऊपर में रख सकते हैं, तो ये होता है ग्रेडिएंट का यूज, इसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे तो हमें पेंट बकेट टूल मिलता है, मतलब अगर कोई एरिया है मान लेते हैं यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लिया, अब इसके अंदर में हमें कोई कलर फिल करना है तो यहाँ से आएंगे इसको कलर फिल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से आए मान लेते हैं यहाँ से हम आते हैं राइट क्लिक करके एक स्क्वायर रेक्टेंगल में ले लेते हैं, अब इस एरिया को हमें ब्लैक या कोई भी कलर करना, जैसे आप देखे होंगे मान लेते चलिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक में हम एक कलर कर देते हैं, कंट्रोल डी एंड इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिए, और हम यहाँ पे आएंगे इसको हम कर देते हैं व्हाइट कलर राइट, और यहाँ से आएंगे ब्रश में और इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये देख सकते हैं क्योंकि एक ही कलर ले रहा था इसीलिए, नहीं तो इसे समझ में आया तो इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे ब्रश में और ये इसे यहाँ से डाल देंगे, एक ही बार में ले लेगा, और इसके ऊपर में हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो लिख सकते हैं, जबकि आप कोई फोटो वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि ऊपर में हमें बोलते हैं कि उनका डेट और नाम लिखने के लिए जो करेंट डेट होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे इजिली कर सकते हैं इसके माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको कंट्रोल डी करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा, और हिस्ट्री ब्रश टूल से यहाँ से हम पूरे इसको मिटा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्लर का ऑप्शन है, यानी कि अगर हमें कोई बैकग्राउंड ब्लर करना हो तो बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, इसका फेस भी ब्लर कर सकते हैं, देख सकते हैं ये पूरा ब्लर हो जाएगा, ये देख सकते हैं इसको भी, ये देखिए इसको ब्लर करना है तो हम ब्लर कर सकते हैं, मतलब ज्यादातर केसेस में अगर बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो हम यहाँ से बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, तो ये होता है इसको ब्लर करने का रूल। उसके नीचे में और भी जिसे ब्लर में है शार्पनेस, मतलब अगर इसको हम चाहते हैं शार्प करने के लिए, जैसे इसको हम 50 से थोड़ा और कम कर देते हैं, अब देखिए ये क्या करेगा कि चेहरे को थोड़ा शार्प करेगा, देखिए ये बहुत ज्यादा शार्प हो गया, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से आएंगे थोड़ा से इसको हम एक बार में इस तरीके से शार्प करेंगे, स्मूथ करना हो तो इसी के नीचे में स्मूथ है, मतलब ये इसको और ज्यादा स्मूथ कर देगा, यहाँ से आते ये देखिए, मतलब चेहरे में लाइटनेस लाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लर टूल का। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये पूरा बहुत ज्यादा ही शार्पनेस हो गया, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमें तीन टूल मिलता है, एक डग बर्न और स्पॉट टूल। डग टूल का काम क्या होता है कि ये चेहरे को साफ करने का काम करता है, ये देखिए ये अभी बहुत छोटा, इसमें ये तो पहले से ही साफ है, तो इसको और हम साफ करने के लिए देख सकते हैं, तो ये क्या करना चेहरे को एकदम पूरा साफ करें, कुछ ज्यादा ही साफ हो गया तो इतना ज्यादा साफ नहीं करना, बहुत कम तरीके से साफ करना, ये देख सकते हैं अपने हिसाब से ताकि ये मैनेज हो जाए। हम बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पीछे का वीडियो देख लीजिए, जिसमें हम बताएं कैसे आप अपने किसी भी चेहरे को अच्छे से साफ कर सकते हैं और उसका फोटो निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बर्न टूल है, यानी कि ये क्या करता है कि अगर कोई चीज को ब्लैक करने का काम करता है, तो ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं ये देखिए, ये केस को हमें ब्लैक करना हो या फिर हमें इस दाढ़ी को ब्लैक करना हो, ये देख सकते हैं ये हम यहाँ से इसको ब्लैक कर सकते हैं, ये आँख को भी ब्लैक करना हो ये देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही, ये आईब्रो को भी करना है इस तरीके से, तो ये सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं किसके माध्यम से, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बर्न टूल के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट में बचता है स्पॉट टूल, इसका क्या यूज है कि ये क्या करता है इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा, ये देख सकते हैं चेहरे को ही ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेगा, ये देख सकते हैं चेहरे को एकदम पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे कुछ आठ टूल हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात किए, तो आई होप कि ये टूल के बारे में आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि इन सभी टूल का क्या इस्तेमाल है और आप इजीली यूज कर सकते हैं इसे, यूज करने के बाद आप फ्यूचर में कभी भी कोई फोटो के साथ एडिटिंग करना चाहते हैं तो अगर इन टूल के बारे में आपको पता रहेगा तो आप इजिली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में बताते हैं, आपको बिजनेस सेक्टर के बारे में बताते हैं, तो ये सभी चीज आपको मिलते रहते हैं इसी चैनल पे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।